गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं. गाइज आज मैं एक बेबी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ. ये है फ्रॉम मामा अर्थ. ये है ईजी टमी रोल ऑन जो कि देता है रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन एंड कोलिक. ये है फॉर 3+ मंथ्स. तो अगर आपने इसको यूज़ किया है देन ठीक है, अगर नहीं यूज़ किया है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. और वीडियो पसंद आएगी तो गाइज इसे कर दीजिएगा लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं. तो गाइज ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है जैसे कि आप देख सकते हो. ये ग्रीन कलर का ऊपर इसके ये कैप लगा हुआ है और नीचे ये वाइट कलर का यहाँ बेबी बना हुआ है. सो ये आप देख सकते हो ये रोल ऑन है. जी हाँ, और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है. तो मैं फटाफट से बता दूँ आपको कि इसमें क्या क्या है. एक तो है इसमें हींग और है फेनल ऑयल. सो ये है 3+ मंथ्स बेबीज के लिए है. और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 40 ml, और जो इसका प्राइस है वो है 249, एंड जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स. सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% सेफ होते हैं, और पैराबेन, क्रुएल्टी एंड वो ऑल जो भी होता है वो उससे फ्री होते हैं. और मैं एक बार बता दूँ इन्होंने यहाँ पर जो लिखा है वो ये है, हाई आई एम मामा अर्थ, 100% नेचुरल ईजी टमी रोल ऑन. आई अंडरस्टैंड द पेन बेबीज एंड पेरेंट्स गो थ्रू. आई एम नोन टू बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन हेल्पिंग बेबीज पास गैस ईजिली एंड स्लीप पीसफुली. मीन्स अगर बच्चे को गैस होगी है तो ये उसकी गैस को निकालने में हेल्प करता है और बच्चे को सोने में हेल्प करता है. तो इसके अंदर हींग ऑयल जो कि जो रिफ्लेक्स होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा स्टमक में, और जिसमें जो एसेंशियल ऑयल है लाइक फेनल ऑयल एंड पेपरमिंट ऑयल, जिंजर ऑयल जो कि रिलीफ देगा स्टमक, अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो उससे ये उसको रिलीफ करेगा. और ब्लॉटिंग है अगर बच्चे का पेट फूल गया है, जैसे आप दबा के देखोगे तो बच्चे का कई बार जो पेट होता है वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो जैसे ब्लोटिंग जाती है, फूल जाता है बच्चे का पेट गैस की वजह से, तो ये उसमें हेल्प करेगा. क्योंकि ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये अल्कोहल फ्री है, और कोई भी इसके अंदर केमिकल हानिकारक केमिकल हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. और इसको यूज़ कैसे करना है आपको, इन्होंने लिखा है डायरेक्टली बच्चे के जो स्टमक पे है उसके जो नेवल एरिया होता है जहाँ बच्चे की तुनी होती है उसके साइड पे आप इसको रोल ऑन को लगा दें, और अप्लाई एवरी 20 to 30 मिनट, हर 20 से 30 मिनट तक लगाते रहें अगर बच्चे को रिलीफ नहीं मिलता है, और हर 2-3 घंटे के बाद लगा दें अगर बच्चे को और बेटरमेंट की ज़रूरत आपको लगती है तो. ठीक है, ये इन्होंने लिखा है. और प्रिकॉशन लिख रखी है कि रिप्लेस कैप टाइटली एंड स्टोर अपराइट इन डार्क कूल प्लेस. मतलब आप इसको ऐसे या ऐसे ना रखें, इसको हमेशा ऐसे रखें, सीधा रखें, क्योंकि इसका इधर से यू नो लीक होने के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं. सो प्रेफर करेंगे कि आप इसको ऐसे सीधा ही रखें, नीचे को टिल्ट करके ना रखें, उससे लीक होने का चांस इसका रहेगा. कहीं पर अगर कट वगैरह लगे हैं तो वहाँ पर इसको ना लगाएं, और आँखों से दूर रखें, बच्चों से भी दूर रखें ऑब्वियसली, पता ही है आपको. हो गया इसके बारे में, अब आते हैं इसके रिव्यू पार्ट के बारे में. हाइपो एलर्जेनिक है ये, नो मिनरल ऑयल्स हैं इसके अंदर, और अल्कोहल फ्री है ये, मेड सेफ है. सो गाइज मैंने इसको परचेज किया था, जैसे कि इन्होंने लिखा है ये 3+ मंथ्स के लिए है. देखिए अगर आप अपने घर में रहते हैं, अगर आपके घर में हींग है, अगर जो ओरिजिनल जो प्योर हींग होता है अगर वो है आपके पास, पाउडर फॉर्म वाला नहीं, एक आता है लिक्विड वाला, या उसमें थोड़ी जड़ जड़ टाइप की होती है तो उसको आप जैसे पानी में डालोगे तो वो लिक्विड बन जाता है. तो अगर आपके पास वो ओरिजिनल वाला हींग पड़ा हुआ है घर पर तो आप वही यूज़ करें. मैंने इनिशियली वही यूज़ किया था, मेरी बहुत छोटी थी तो उस टाइम सर्दी भी थी एक्चुअली, तो हम क्या करते थे कि चम्मच में उसको डाल के थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको गर्म कर लेते थे, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म, और जब आप लगाएं तो उसको टच कर लें आपकी फिंगर, अगर आपको अपनी फिंगर पे गर्म लग रहा है तो दैट मीन बच्चे को ज़्यादा गर्म लगेगा, तब कई बार टच करके उसके बाद उसके नेवल एरिया के साइड पे उसको अप्लाई कर दे. उससे क्या है कि बच्चा इमीडिएटली गैस पास कर देगा अगर बच्चे को गैस की दिक्कत आ रही है तो. ओके, सो अगर आप वो वाला मेथड अपना सकते हैं देन वेल एंड गुड. अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आपके घर में और भी मेम्बर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं तो ठीक है. अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड और नहीं है, अगर आप अकेले कहीं और रहते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो घर है वी आर फ्रॉम हिमाचल, हम हिमाचल से हैं और हम यहाँ दिल्ली में हैं, NCR रीजन में हैं हम, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे है, तो हम अपने घर से बहुत दूर हैं, हमारे घर का कोई मेम्बर हमारे साथ यहाँ नहीं है, हम दो ही हैं जो हमारे बच्चे को संभाल रहे हैं.
सो यू नो अकेली मदर को थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि यू नो कौन जाएगा बार बार भाग के उसको गर्म करे फिर उसको अप्लाई करे. सो उस केस के लिए ये बहुत हेल्पिंग हैंड बन जाता है उन मदर्स के लिए जो अकेले अपने बेबी को संभाल रही हैं. सो ये बहुत अच्छा है. मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है. पहले मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि इसको लगाने का गैस पास होती है या नहीं, बट यू नो रिसेंटली मैंने इसको जब यूज़ किया जब एक्चुअली मेरी बेबी थोड़ा क्रैंकी हो रही थी तो इन्होंने मुझे बोला कि यार इसका वो रोल ऑन लगा के देखो क्या पता ठीक हो जाए. सो जैसे हमने इसको अप्लाई किया आफ्टर यू नो 2 or 3 minutes उसने छोटा सा गैस पास कर दिया, मतलब उसने छोटा सा पद्दू मार दिया. तो इसको लगाने के बाद गाइस उसने विदिन 2-3 minutes उसने गैस पास कर दी. तो हमने कहा अरे वाह इट्स अफेक्टिव. सो उन्होंने कहा कि आई वाई डोंट यू मतलब तुम इसके बारे में अपने सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं बता देती कि हाँ क्या पता इससे उनकी हेल्प हो सके. तो मुझे लगा कि ठीक है भैया मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि उससे पहले मैंने ज़्यादा मतलब नोटिस नहीं किया था कि ये काम कर रहा है या नहीं, बट उसके बाद मैंने इसको नोटिस करना शुरू किया तो ये काम ज़रूर करता है. और सबसे बड़ी चीज़ यू नो अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप चम्मच और हींग लेके कहीं गर्म करने तो जाएंगे नहीं. तो उस काम के लिए उस टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो ये ज़रूर अपने पास रखें. जब भी बच्चा अगर कॉलिक हो रहा है उसको अगर या पेट में दर्द हो रही है या आपको लग रहा है कि बच्चा अनइजी फील कर रहा है तो इसको उसके नेवल पॉइंट पर ऐसे लगा दें, छोड़ दें, बच्चा अपने आप गैस पास कर देगा. पॉटी अगर बच्चे को कब्जी हो गई है तो उसका अलग इलाज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट अभी के लिए अगर बच्चे को गैस है, कॉलिक हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, पेट फूल गया है, हार्ड हो गया है तो ये ज़रूर अप्लाई करके देखें, ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा. ज़्यादा प्राइस नहीं है, 250 रुपये का है और बहुत लंबा चल जाता है. अभी देखो बहुत ज़्यादा इसमें आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, काफ़ी लंबा चल जाता है. सो मेरी तरफ से तो सो गाइज आज के लिए इतना ही. उम्मीद करूंगी कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है. अगर लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें. बाय बाय.